अभी कंप्लीट होने के बाद हम इसमें एक काम और करेंगे, इसके पीछे पेंदे में हम थोड़ा से छेद कर देंगे। छेद जो है हमारे होंगे चारों कोने में होंगे, एक बीच में होंगे, यानी टोटल 5 पीस। ये हो गया एक, इसी तरीके से कहीं पे भी लगा लें कोई उसका दिक्कत नहीं है। इसमें पानी निकलने का सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि हमारा जो है पौधे सड़े ना। अगर हम पानी नहीं निकलने देंगे तो जो है पौधों की जड़ हमारी जो है सड़ जाएगी, पौधे जो है ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों ये जो है हमारे पीछे का जो है सारे जो है होल तैयार हो गए। इसी तरीके से होल हमें कर देना है। अब इसमें जो है पौधा लगाते समय हम आपको एक नया एक तरीका और बताएंगे। इसमें जो है कुछ गिट्टियां डालेंगे, उसके बाद मिट्टी डालेंगे। तो ये जो मैंने जो है 5 छेद किए हुए हैं, इसके बाद में जो है इसको पानी निकालने के लिए मुझे जो है ये जो है एक सिटका रखना पड़ेगा, गिट्टी टाइप में जो है, जो गमले के टूटी हुई रहती है, इसके सब पे छेद के पास जो है रख देंगे। रखने के बाद जो है ये हो गया, तो ये छेद बंद हो गए। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। अब हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। ये मिट्टी हमारी जो है कंपोस्ट खाद की बनी हुई है, घर की किचन वेस्ट जिसको बोलते हैं। आप हमारे लिंक में जाइएगा, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसको अभी हम जो है बस अभी आधा भरेंगे, उसके बाद जो अभी इसमें हम जो है पौधा एक लगाएंगे। तो इसमें हम एक एलोवेरा का पौधा लगाने जा रहे हैं, जिसका जो है हम इसको इस ढंग से निकालेंगे ताकि जो है इसको पहले जो है सही तरीका ये है कि इसको किनारे से पहले जो है इसको ढीला कर लें ताकि इसकी जड़ें अलग ना होने पाए। इसको निकालने का मकसद मेरा यह है, ये गमला इसके लिए छोटा पड़ रहा है, ये टूट चुका है, मैंने जुगाड़ से इसलिए इसके तैयार किया है। इसको पकड़ो, ये देखिए आराम से उठाओ उठाओ उठाओ, ये आराम से निकल आया। इसमें हमारे सारे पौधे ओके हैं। इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन अब इसमें से मुझे और पौधा निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको जो है अलग निकाल देंगे। ये पौधा अलग हो गया है, इसको जो है हम इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। रोको जो,
और ये जो बचे हुए जो मैंने काट के निकाले थे एलोवेरा से, इसमें 3 पीस और अभी नए निकल रहे हैं, इस सब में रूट हैं, ये सब लग जाएंगे अलग अलग जो है। इसको भी हम इसको इस यहाँ पे इसको यहीं पे लगा देते हैं। चौथे पीस में रूट नहीं, फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ और इसमें रूट निकल आती है। तो मैंने लगा चुके हैं और तीसरे के लिए ये पेड़ मुझे निकालना है, जो कि ऐसे ही जो मैंने लगा दिया था इसके बीज, इसको निकालने के लिए नीचे तक ले जाना पड़ेगा। तो मैंने इसके ये निकाल लिए हैं, इसमें छोटे छोटे और पौधे हैं, ये सब दूसरे पौधे में लगाएंगे। इसको हम यहाँ से निकाल करके इसको यहीं लगा देंगे ताकि फिर दूसरे पौधे में लगाया जा सके। और इसको हम चल के उसमें लगा देंगे। अब ये तीसरे गमले पॉकेट गमले में मैं जो है इसको यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मिट्टी थोड़ा और डालेंगे। ताकि ज़्यादा नीचे ना हो। ये डिस्टेंस सही है, इसको जो है चारों तरफ से रख देंगे। इसको हल्का से जो है दबा देंगे, इसको हल्का से यूं कर देंगे ताकि अपनी जगह पे सब सेट हो जाए। तो ये हमारा ओके हो गया। हाँ तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो अब हम पानी देंगे, हाँ से खोलो। हाँ तो दोस्तों ये जो है हम इसमें पानी दे देंगे, कंप्लीट हो गया मेरा जो है। इसमें पानी अभी हमें पहले दफ़े पूरा देना है ताकि जो मिट्टी अपनी जगह सेट हो जाए। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है 1 दिन के बाद पानी देंगे, फिर सेट हो जाएगा, उसके बाद में जो है ओके दोस्तों कंप्लीट हुआ। और आइए, हाँ तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने जो पॉकेट गमले बनाए हैं अपने खुद भी यूज कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा सेफ है। इसमें बैगनवेलिया मेरा था, इसमें जड़ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। देखिए कितना खूबसूरत जो है फूल आए हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हुए आए हैं। इस तरीके से हमने एक नहीं और भी ये तैयार किए हैं। देखिए जो है ये पॉकेट जो है ये तैयार हुए हैं, और भी इसी तरीके से काफ़ी जो है। आइए हम दिखाते, ये हमारे जो है एक ये जो है तैयार है, ये इसमें है, इधर ये भी तैयार है। ये मैंने बैगनवेलिया के कलम लगाई है, ये सब पॉकेट गमले में है।
इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। Pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.